श्री राम जन्मभूमि मामले पर फैसला आएगा, मगर मंदिर निर्माण से पहले ही सोशल मीडिया पर रामायण के किरदार किस तरह से अवतरित हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट की फिक्र किए बगैर हिंदू देवी देवताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रखा है। ट्विटर पर उनका अकाउंट दिखते ही भक्तों ने आराधना भी शुरू कर दी है। 8,500 फॉलोअर्स के साथ श्री राम सबसे आगे हैं। देवी सीता लक्ष्मण के प्रोफाइल भी ट्विटर पर हैं। अयोध्या से शुरू हुए रामायण के किरदार लंका पहुंचकर विभीषण, सुपर्णखा, मंदोदरी और रावण को भी सोशल मीडिया पर उतार लाए हैं। दरअसल ट्विटर पर ये सारे अकाउंट फर्जी आईडी से बनाए गए हैं और इनका दुरुपयोग होने की प्रबल आशंका है। निश्चित तौर पर किसी की सोची समझी योजना है और प्रशासन को चाहिए कि तत्काल पुलिस हस्तक्षेप करे, ऐसे ट्विटर हैंडल जिन्होंने बनाए उनको ट्रेस करे और ट्रेस करके फैसला आने से पहले उन्हें जेल के भीतर ठूंस दे। सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स को ट्रोलर्स कहा जाता है। अकाउंट्स पर हुए कमेंट, ट्वीट और रिट्वीट को देखें तो देवी देवताओं की तरह पुत्र पुत्री वत्स जैसे प्राचीन संबोधन दिखते हैं, लेकिन बात वर्तमान मुद्दों पर की जाती है। कई कमेंट धार्मिक और भाषा के हिसाब से आपत्तिजनक और भावनाओं को भड़काने वाले भी हैं। पुलिस ने इन फर्जी अकाउंट्स का संज्ञान लेने के बाद सोशल मीडिया लैब को इसकी जाँच सौंप दी है। ये मामला संज्ञान में आया है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें पहचान छुपाकर देवी देवताओं के नाम पर ये ट्विटर पे चलाया जा रहा है। इसको साइबर की जो हमारी टीम है उसको संज्ञान में ली है और इसका लगातार सुपरविजन किया जा रहा है, और इसमें कुछ भी चीजें ऐसी पाई जाएंगी जो आपत्तिजनक है तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर संबंधित जो हैंडलर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या मुद्दे को लेकर पुलिस पहले से ही सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा देवी देवताओं के नाम से बने ट्विटर हैंडल संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू करा दी है और उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने देवी देवताओं के नाम से ये ट्विटर हैंडल बनाए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।